हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम एक्सेल एप्लीकेशन में काउंट से जुड़े कुछ फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। सो आप यहाँ देख सकते हो, इन सेल्स में यह मोहन कुमार शेखर है। वैसे ही यहाँ 1122 और यहाँ इस सेल में कोई इनपुट नहीं है, और यहाँ 142 और यहाँ KCR 123 है, और यहाँ सिर्फ 0 है, और यहाँ 1254 है। सो यहाँ पहले हम काउंट फार्मूला देखेंगे। यह काउंट फार्मूला क्या करेगा मीन्स यह सिर्फ नंबर्स है सो सेल्स को ही काउंट करता है। सो यहाँ हम फार्मूला देंगे। सो पहले आप डबल क्लिक करके सेल को एक्टिवेट करें, इक्वल टू काउंट COUNT काउंट ओपन ब्रैकेट। ऐसे देकर हम यहाँ इस रेंज को माउस से सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट करके देन क्लोज ब्रैकेट। सो इक्वल टू काउंट ओपन ब्रैकेट C3 to E5 देन क्लोज ब्रैकेट देन प्रेस एंटर। सो अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ सिर्फ 4 काउंट बता रहा है। इसकी फंक्शनलिटी ये है कि यानी यह काउंट फार्मूला सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करता है। आप यहाँ देख सकते हो 1122 1 2 3 4, यहाँ 0 को भी काउंट करता है। यहाँ KCR 123 सेल को काउंट नहीं किया है क्योंकि यह KCR 123 में टेक्स्ट है। सो यह काउंट फार्मूला दिए हुए रेंज में से सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करता है, वह टेक्स्ट रहने पर भी काउंट नहीं करेगा और ब्लैंक सेल्स को भी काउंट नहीं करेगा। सो यहाँ कितने काउंट हुए हैं, 1 2 3 4। अगर हम यहाँ 0 निकाल दिए तो वह इस सेल को भी काउंट नहीं करेगा क्योंकि काउंट फार्मूला सिर्फ नंबर्स है सो सेल्स को ही काउंट करता है। हम यहाँ 0 रिप्लेस कर देंगे। सपोज हम यहाँ इस 0 के प्लेस में टेक्स्ट दिए समझिए, यह इसे भी काउंट नहीं करेगा क्योंकि वहाँ सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करता है। नेक्स्ट है काउंट ए। इसकी फंक्शनलिटी ये है कि यह फंक्शन सेल में नंबर्स रहने पर भी टेक्स्ट और नंबर दोनों मिलाकर रहने से भी काउंट करता है। सिर्फ वहाँ ब्लैंक सेल्स को ही नहीं काउंट करेगा, बाकी सब सेल्स को काउंट करता है यह काउंट ए फंक्शन। सो इक्वल टू COUNT काउंट ए ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट द रेंज देन क्लोज ब्रैकेट देन प्रेस एंटर। इक्वल टू काउंट ए ओपन ब्रैकेट C3 to E5 देन प्रेस एंटर। सो यहाँ एम्प्टी सेल्स को छोड़कर बाकी सारे सेल्स को काउंट करता है। सो यहाँ देखिए आप, यहाँ कितने हैं। यहाँ कोई भी डेटा नहीं रहना है, यहाँ स्पेस रह गया है, हम इसे इरेज करेंगे। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ टोटल 9 सेल्स है। यहाँ 9 सेल्स में से मोहन कुमार शेखर इसमें टेक्स्ट है, और 1122 और 1211 142 KCR 123 K 1254 है, और यहाँ इस सेल में कोई भी इनपुट नहीं है, यहाँ ब्लैंक है। सो काउंट ए सिर्फ एम्प्टी सेल्स को छोड़कर बाकी सारे सेल्स को काउंट करता है। नेक्स्ट है काउंट ब्लैंक। यह फंक्शन पूरे रेंज में से ब्लैंक सेल्स को ही काउंट करता है। सो इक्वल टू COUNT काउंट ब्लैंक ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट द रेंज देन क्लोज ब्रैकेट देन प्रेस एंटर। सो यह रेंज में सिर्फ एक ही ब्लैंक सेल है, आप यहाँ देख सकते हो। अभी नेक्स्ट है काउंट इफ। हम अभी देखे हैं कि काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर को काउंट करता है। काउंट ए नंबर टेक्स्ट नंबर प्लस टेक्स्ट को काउंट करता है, और काउंट ब्लैंक सिर्फ ब्लैंक सेल्स को काउंट करता है। अभी काउंट इफ क्या है? काउंट इफ ये है कि अगर हम यहाँ एक क्वेश्चन को मालूम करना चाहते हैं कि वह इस रेंज में है या नहीं, सपोज़ यह सेल में मोहन बोलकर नाम है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम काउंट इफ फंक्शन यूज़ करते हैं। यानी हम यहाँ एक लॉजिक देंगे, वह लॉजिक सेटिस्फाई होने पर ही वह काउंट करता है, नहीं तो वह काउंट नहीं करेगा। यहाँ हम फॉर्मूला देंगे इक्वल टू COUNT काउंट इफ़ ओपन ब्रैकेट। यहाँ रेंज क्या है? जिस रेंज में हमें काउंट करना है पहले वह रेंज को सेलेक्ट करें। मुझे यहाँ मोहन से यहाँ तक के रेंज में पता करना है, कॉमा हमें क्या काउंट करना है। यह सिस्टम क्राइटेरिया पूछ रहा है हमें 142 यह सेल इस रेंज में है या नहीं, ये हमें मालूम करना है। हम यहाँ क्या दे रहे हैं,
कॉन्टिफ कॉन्टिफ कहाँ से C3 से E5 तक काउंट करना है। क्या रहने पर ही काउंट करना है? 142 रहने पर ही काउंट करना है, यानी इस पूरे रेंज में 142 के कितने सेल्स है उसका मुझे काउंट चाहिए। सो जो हम क्वेरी दिए थे वह हम लास्ट में देते हैं। एंटर प्रेस करें तो यहाँ 142 का इस रेंज में सिर्फ एक ही सेल है। सो यहाँ देखिए, हम K की प्लेस में 142 लिखेंगे। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ ऑटोमेटिक नंबर 2 को चेंज हो गया है, क्योंकि यहाँ 142 के दो सेल्स है। यहाँ भी हम 142 लिखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ 3 को चेंज हो गया है। आप देख सकते हो कि यह 3 को चेंज हो गया है। हम फिर से यहाँ इसे एड्रेस करेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ भी 0 लिखेंगे। सो यहाँ इस रेंज में 142 बोलकर कोई भी नंबर नहीं है।